नमस्कार साथियों, एसएससी जीएस पन में आपका स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास की जो अर्थशास्त्र है उसका तीसरा पाठ है मुद्रा एवं साख, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या है इसमें मुद्रा और साख है। देखो मुद्रा क्या है, आप रोज दैनिक जीवन में मुद्रा का इस्तेमाल करते हो। रोज आप सुबह उठते ही जैसे आप चाय पीने के लिए दूध लाते हो तो दुकानदार को पैसे देते हो, इसके अलावा फिर आप मंजन करते हो, ब्रश करते हो, पेस्ट खरीदते हो, ब्रश खरीदते हो, तो उसके लिए आपको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो हम रोज लेन देन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि मुद्रा ही क्यों, यानी और चीज दुकानदार स्वीकार क्यों नहीं करता, यानी मुद्रा से ही खरीदारी क्यों होती है। क्यों? क्योंकि एक तो कोई भी वस्तु या सेवा हम इससे खरीद सकते हैं। अगर हमारी जेब में पैसा है, मुद्रा है, तो हम किसी भी प्रकार की वस्तु या कोई प्रकार की सेवा ले सकते हैं। और दूसरा, हर कोई इसको पसंद करता है, कोई भी दुकानदार है, कोई भी सेवा प्रदाता है, कोई भी व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता। और तीसरा है, विनिमय का माध्यम है। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। और माध्यम ऐसा नहीं है जिससे हम एक तरह से विनिमय कर सके, यानी आदान प्रदान कर सके। तो देखो क्या होता है कि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली हो तो उसमें मुद्रा नहीं होती, उसमें वस्तुएं होती है। अब प्रश्न आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसमें क्या होता है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग यानी दोहरा यानी डबल, और संयोग का मतलब है मिलन होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति जूता खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, और दूसरा व्यक्ति है जो गेहूं खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं है, उसके पास जूते हैं, जो गेहूं खरीदना चाहता है उसके पास जूते हैं और जो जूता खरीदना चाहता है उसके पास गेहूं है, तो वो आपस में वो जूता दे देंगे और वो गेहूं दे देंगे, तब जाके उनका विनिमय होगा, ये वस्तु विनिमय होगा। लेकिन इसमें एक बात देखी होगी आपने कि उसके पास जूता हो गेहूं खरीदने वाले के पास, और जूते खरीदने वाले के पास गेहूं हो, यानी दोहरा संयोग, यानी दोनों के पास दोनों चीजें होगी तो ही ये वस्तु विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप अपने देखते होंगे घरों में आपके पड़ोस से कोई आंटी आती है, चीनी मांगने आती है, भाई एक तो एक कटोरी चीनी देना, और हम उसको चीनी दे देते हैं, वो हमको फिर अचार दे जाती है उसी कटोरी में, कहते हैं भाई खाली कटोरी देना अच्छा नहीं लगता, तो उसी कटोरी में फिर वो अचार दे जाती है हमें। या हम जैसे कोई भी सामान हमसे ले जाता है कोई व्यक्ति, तो फिर बदले में कोई दूसरी चीज़ दे देता है, वो वस्तु विनिमय होता है। पहले भी देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे तो गांव में एक व्यक्ति आता था और वो गेहूं लेके और सामान देता था, सब्जियां देता था, इधर से आइसक्रीम देता था। तो आज क्या करते हैं, हम पैसे से खरीदते हैं। तो ये वस्तु विनिमय पहले होता था, अब नहीं होता, अब मुद्रा विनिमय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है दोहरा संयोग, यानी मुझे उस चीज़ की आवश्यकता है और उसको मेरी वाली चीज की आवश्यकता है, तो ही हमारा विनिमय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा काम में नहीं आती। अब प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में यानी पहले के समय में अनाज का विनिमय होता था, पशु, ये सब मुद्रा के रूप में काम आते थे। जैसे अनाज कितना हुआ, इसी से आपकी स्टेटस का पता चलता था। पशु कितने हैं आपके पास, गाय है, भैंस है, बकरी है, घोड़े हैं। सोना कितना है, चांदी कितनी है, तांबा कितना है, तो ये सब जो आइटम थे ये मुद्रा के रूप में काम में आते थे। लेकिन आधुनिक मुद्रा क्या है, आधुनिक रूप में यानी इस जमाने में कागज के नोट और धातुओं के सिक्के, नोट और सिक्के ही आधुनिक मुद्रा है। अब प्रश्न आता है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों है, मुद्रा ही विनिमय का माध्यम क्यों है। क्योंकि एक तो ये सरकार द्वारा, सरकार कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये क्या है, प्राधिकृत है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक इस पर निगरानी रखता है और किसी की हिम्मत नहीं है कि मुद्रा लेने से वो मना कर दे। क्यों? क्योंकि जो RBI है वो इसको जारी करता है, कागज के नोट RBI छापता है, सिक्कों की ढलान भी RBI करता है। हाँ, 1 रुपए का जो नोट है वो केवल वित्त मंत्रालय छापता है, बाकी 1 रुपए से ज्यादा के जितने भी नोट है वो RBI की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वहां छापे जाते हैं। और एक और बात, आपने जो भी 10 रुपए का या 50 रुपए का कोई भी नोट देखा होगा, जैसे ये आपका 200 रुपए का नोट है, इस 200 रुपए के नोट को अगर गौर से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और फिर लिख रख गवर्नर के हस्ताक्षर कर रखे हैं, क्या नाम, उर्जित आर पटेल। इसका मतलब है कि RBI गारंटी दे रहा है कि मैं धारक को, यानी जिसने इसको धारण कर रखा है, उसको 200 रुपए दूंगा, यानी ये मेरे हाथ में है तो मुझे रिजर्व बैंक 200 रुपए देगा अगर ये किसी ने नहीं लिया तो। तो इसका मतलब है कि RBI गारंटी देता है मुद्रा की। और फिर वेद है, वेद का मतलब इसको कोई भी नहीं छाप सकता, अगर कोई दूसरा छापता है तो नकली कहलाते हैं, अवैध कहलाते हैं। तो ये वेद है यानी सभी तरह से मान्य है।
इसलिए फिर बैंक भी ये जमा स्वीकार करते हैं, बैंक यानी बैंक क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं। कैसी जमा? अतिरिक्त नगद। अब अतिरिक्त नगद क्या होता है? अतिरिक्त नगद का मतलब है एक्स्ट्रा कैश, यानी जो हम कमाई करते हैं, जो हमारी इनकम है, महीने के लास्ट में जो हमारी बचत होती है, जो सारा खर्च करने के बाद जो पैसा हमारे पास बचता है, उसे हम अतिरिक्त नगद कहते हैं। वो हम कहाँ जमा करते हैं? बैंकों में निक्षेप करते हैं। बैंकों में क्यों करते हैं? पहले के जमाने में तो लोग अपना सोना चांदी ये सब क्या करते थे, जमीन में गाड़ते थे डाकुओं के डर से। लेकिन अब जमीन में ना गाड़ कर हम क्या करते हैं, बैंकों में निक्षेप करते हैं। अब बैंकों में क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो सुरक्षित रहता है, क्योंकि घरों में तो चोरी हो सकती है, हमारी मुद्रा चोरी कर सकता है कोई भी, इसलिए एक तो सुरक्षित होते हैं, और दूसरा जो हमारी मुद्रा बैंक में जमा होती है उस पर हमें सूद मिलता है। सूद का मतलब है ब्याज मिलता है, बैंक हमें क्या देता है, ब्याज देता है, इसलिए बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं। और कब भी हम चाहे जब भी तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। किसके जरिए? मांग के जरिए। हमें मांग लिखनी देनी पड़ती है, पर्ची बना के उसमें लिखना पड़ता है मुझे 5,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए। तो आपकी जो जमा है उसको आप मांगते हो, इसलिए इसको मांग जमा कहते हैं। मांग कर हम निकालते हैं पैसा, इसको हम क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं। यानी मांग जमा किसे कहते हैं, जो हमारा पैसा जमा है उसे हम मांग के निकालते हैं, इसलिए इसको मांग जमा कहते हैं। और ये भी क्या है, एक मुद्रा है। मांग जमा का एक और रूप है, वो है आपका चेक। चेक भी एक तरह से मुद्रा है। यानी मांग जमा को मुद्रा इसलिए कहते हैं कि जैसे चेक है, अब चेक क्या होता है, ये ऐसा बना होता है चेक जिसमें इधर लिखा जाता है नाम व्यक्ति का जिसके नाम हम दे रहे हैं, या दिनांक रखा जाता है, या रकम भरी जाती है अंकों में, और यहाँ रकम भरी जाती है शब्दों में, और यहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है। तो ये चेक आप किसी को भी दे देते हो। चेक क्या होता है? चेक एक दस्तावेज होता है, एक जिसे आप जिस व्यक्ति को इसे दोगे वो इसको भुना सकता है, यानी वो उसकी रकम निकाल सकता है। तो चेक भी एक तरह से मुद्रा का काम करती है। चेक दो प्रकार से काटे जाते हैं, एक तो होता है अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब तो है अगर आपने चेक पे ऐसे कर दिया क्रॉस करके, तो ये चेक तो वो है कि वो अब उसके खाते में ही लगा सकता है उसका नाम। जैसे आपने राजेंद्र नाम, राजेंद्र कुमार के नाम से अगर चेक अकाउंट पे कर दिया, तो अगर वो चेक खो भी जाए तो डर नहीं है। क्यों? क्योंकि राजेंद्र कुमार के अकाउंट में ही जब जमा होगा तो पैसे आएंगे। और एक होता है सेल्फ वाला चेक काटते हैं हम, सेल्फ लिखते हैं। तो सेल्फ लिखते हैं इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जाकर उतने पैसे चेक को जमा करके निकाल सकता है। ये अगर खो जाता है तो हमें जोखिम होता है। इसमें सेल्फ वाले में उसी बैंक में जाना पड़ता है जिसमें जिस बैंक का ये चेक है, और इसमें उस राजेंद्र कुमार के बैंक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये चेक बहुत बढ़िया मांग जमा है। अब हम बात करें बैंकों की गतिविधि क्या है। तो देखो, कभी भी कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, इसका मतलब है कि बैंकों को अंदेशा रहता है कि हाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी मांग जमा यानी पैसे निकालने आ सकता है। तो बैंक क्या करता है, अपनी कुल रकम का 15% नगद रखता है हमेशा। जैसे बैंक के पास 1 करोड़ रुपए है तो 15 लाख रुपए हमेशा नगद रखेगा। ये लगभग एक दिन का एक आइडिया होता है, भाई एक दिन में इतने लोग पैसे निकालने आ सकते हैं, आइडिया है के लिए। तो 15% वो रखता है, बाकी क्या करता है, वो ऋण के रूप में, ऋण के रूप में देता है। किसको देता है? कर्जदारों को, आपका ही पैसा। अब बैंक क्या करता है, एक तरह से मध्यस्थता करता है। जमाकर्ता कौन? जो बैंक में पैसा जमा कराता है। और कर्जदार कौन? जो बैंक से पैसा उधार लेता है। जमाकर्ता और कर्जदार की मध्यस्थता करता है बैंक, और यही इसकी आय का जरिया है। क्या जरिया है, क्वेश्चन आता है बैंक की आय का जरिया क्या है। तो ब्याज का जो अंतर है, क्या अंतर है ब्याज का, कि जैसे आप जमा करते हो तो आपको तो 4% ब्याज देता है बैंक, 4 से 6% ब्याज देता है आपको, और बैंक से जो उधार लेते हैं उनसे 12 से 18% तक ब्याज लेता है बैंक। तो ये जो 4 से 6 और 12 से 18, मतलब 12 और 4 का जो अंतर है, 8 का अंतर है, यही बैंक की आय है। यानी आपको कम ब्याज देता है और जो लोन देता है उनसे ज़्यादा ब्याज वसूल करता है, इससे बैंक की इनकम होती है, इसी से बैंक के सारे खर्चे चलते हैं। अब ऋण क्या है, ऋण यानी एक तरह से जो लोन लेते हैं हम, कर्ज लेते हैं। कर्ज क्या है, एक सहमति है जिसमें क्या होता है, ऋण देने वाला कर्जा देता है कर्जदार को, जहाँ क्या होता है कर्जा देकर और भुगतान का वायदा किया जाता है। किसी कर्जदार को जो ऋण दाता है वो क्या देता है, कर्ज देता है, और फिर उससे वायदा लेता है कि भाई इतने दिनों बाद इसका भुगतान कर दूंगा। उसमें निश्चित ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर के साथ वो रकम का भुगतान करता है। अब हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर कोई ऋण लेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आवश्यकता होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण क्यों लेगा वो? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता क्या पड़ेगी, बीज खरीदने के लिए किसान को,
खाद डालने के लिए, दवाई वगैरह कीटनाशक दवाई छिड़काने के लिए, पानी यानी सिंचाई के साधन के लिए, सिंचाई के लिए कोई पंप खरीदना है, ट्यूबवेल खरीदना है, पाइप खरीदने, बिजली का नया मीटर लगवाना है, बिजली कनेक्शन लेना है, बिजली का बिल भरना है, या कोई उपकरण खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत करने के लिए गांव में क्या होते हैं, ऋण लिए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अब हम बात करें कर्ज जाल क्या होता है। कर्ज जाल में क्या होता है, जैसे स्वप्ना है, स्वप्ना की कहानी आपने पढ़ी, एक तो स्वप्ना की है, एक सलीम की है। स्वप्ना की जो कहानी है, स्वप्ना को जमीन बेचनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब कर्ज नहीं चुक पाता है, क्योंकि जब इस फसल बोते हैं तब से लेके और फसल होती है तब तक 3-4 महीने का अंतर होता है। अब ऋण की चुकाने की एक तरह से क्षमता उस फसल पर निर्भर करती है। अब अगर फसल ही नहीं होगी तो ऋण कैसे चुकाएगा कोई व्यक्ति। तो आखिरकार स्वप्ना के साथ यही हुआ कि ऋण नहीं चुकाया, ऋण की ब्याज दर बहुत ज़्यादा थी, तो आखिरकार उसकी लागत ऊँची होने के कारण उसको जमीन बेचनी पड़ी। तो ऋण वैसे तो सकारात्मक है, लेकिन कई बार ऋण नकारात्मक भी हो जाता है। दूसरी स्थिति देखें सलीम की, तो सलीम ने क्या किया था, सलीम को लाभ हुआ था, क्योंकि सलीम ने अपना व्यापार आगे बढ़ाया, उसको जैसे जैसे ऋण मिल रहा था वैसे वैसे उसको लाभ होता गया, उसके लिए क्या हुआ, ये सकारात्मक। तो दोस्तों ये पहला भाग था आपका मुद्रा और साख का, पहला भाग खत्म हुआ। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरा पार्ट में जल्दी इसका अपलोड करूंगा। ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखा करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इन वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।